स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। ईएमएस स्टडी के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर और रैशनल नंबर की प्रॉपर्टीज को डिस्क्राइब किया था। आज का टॉपिक मैं आपके लिए लेके आया हूँ लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड। लीनियर इक्वेशन नाम ही ऐसा है, फर्स्ट टर्मिनल आपके आने वाले हैं, तो मैंने फर्स्ट टर्मिनल के हिसाब से आपका वीडियो टॉपिक सिलेक्ट किया है कि आपको कौन सा बढ़िया टॉपिक मिल जाए और क्वेश्चन का फॉर्मेट मिल जाए। बेसिक टू एडवांस लेवल आपको मिल जाएगा। वक्त ना गवाते क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अभी दोबारा गुड इवनिंग हो गया है, तो अभी मैंने क्वेश्चन स्टार्ट करा है। फॉर्मेट फर्स्ट है, फॉर्मेट फर्स्ट के मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगा। फॉर्मेट फर्स्ट के अंदर पहला क्वेश्चन हमारा फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स या सिंपलीफाई द फॉलोइंग एक्स, एक्स प्लस टू इक्वल्स टू फाइव। आपने बच्चे और माँ बाप से, पेरेंट्स कहते हैं बच्चा घर में तो बहुत सुधरा है, बाहर जाती स्कूल में जाती बिगड़ गया, स्कूल में बहुत अच्छा था, घर पे आते बिगड़ गया। ऐसे टीचर्स कहते हैं, कुछ पेरेंट्स कहते हैं, यानी घर पे कुछ और, यानी अपोजिट हो गया। क्या हो गया? अपोजिट हो गया। अगर मैं प्लस का अपोजिट क्या होगा माइनस, माइनस का अपोजिट क्या होगा प्लस। तो दोस्तों यही क्लियर हो गया हमारा टॉपिक। कैसे? अगर यहाँ पे कोई साइन प्लस है तो इजी कॉस्ट के पास जाएगा तो माइनस का होगा, और अगर ये माइनस जाएगा तो यहाँ पे तो बचेगा एक्स, और इजी कॉस्ट टू साथ में है, फाइव यहाँ पे है, और टू को हमने वहां लगेगा, फाइव माइनस टू एक्स क्या आ गया हमारा थ्री। अब इसे चेक कैसे करोगे? बचपन में होता था डैश प्लस थ्री टू इक्वल्स टू फाइव। बच्चों बताओ क्या आएगा? थ्री प्लस टू इक्वल्स टू फाइव। एक्स की वैल्यू क्या आई हमारी? थ्री। पेपर के अंदर चेक इस तरीके से कर लोगे, एक में से एक नंबर आपके हाथ में। 12x = 36 ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। इसे कैसे करेंगे? 12x = 36 यानी x की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ बात ध्यान रखना, जो न्यूमिनेटर में x के साथ वाली डिजिट हमेशा डिनोमिनेटर में आ जाती है और ये वाली ऊपर रह जाती है, यानी 12 × 12 = 36 एक्स की वैल्यू हमारी फिर से आ गई। आप दूसरा क्वेश्चन देखना, 3t = 30 यानी t = 30 अपॉन में 3 = 10। अब यहाँ पे 4x = 40 यानी सीधी सिंपल बात हमें भैया एक बार समझ आ गई है, 10x आ गया हमारा 10। क्वेश्चन क्लियर। अगला क्वेश्चन हमारा है 2x - 5 = 0। अब यहाँ पे कितने 2x हैं? भैया x की गिनती बता दो। अगर हम करें x + x = 2x यानी भैया x यानी 1, तो भाई बाय डिफॉल्ट होता ही, जब उसका कुछ नहीं होता उसको ऊपर वाला होता है, सबका मालिक है, एक उंगली आ गई ना, 1x कितना हो गया 2x। अब 2x - 5 में आपको बता रहा था x की गिनती, x + x = 2x कैसे होगा? जिसका कुछ नहीं होता उसको ऊपर वाला होता है, यानी सबका मालिक है, एक तो आ गया एक, 1x यानी x + x + x + x। अब डायरेक्ट करो 1, 2, 3, 4। जैसे जैसे आप सीनियर हो रहे हो तो सीनियर वाले काम भी, तो अब यहाँ पे 5x हो जाएगा, 5 बार x, यहाँ पे 6 बार x, 7 बार x। अब कई बार टीचर ऐसे कर देते हैं 2x + 2x कितना होगा बच्चों, यानी 4x, नॉर्मल गिनती, 7 में x आ गया। राम सीता, सीता राम क्या कॉमन आ रहा है? राम आ रहा है, यानी 2x बोल लो या x3 बोल लो क्या कॉमन आ रहा है? x आ रहा है, ऐसे लिख दूं x2 या 2x, पर ये फॉर्मेट गलत होगा और ये फॉर्मेट राइट होगा। तो इस हिसाब से 2x - 5 है ना -5। अभी आपको लास्ट क्वेश्चन मैंने बताया था इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना, अभी वैसे ही हो जाएगा, हो गया ना 2x = 5 ऊपर रह जाएगा 2 डिनोमिनेटर बन जाएगा, 5/2 कितना होता है 2.5, सभी को पता ही बात। आओ दूसरा क्वेश्चन मैं अभी करता हूँ, हाथ क्या था आपको बताने वाला हूँ, y + 12 = 12, 12 प्लस का है वहां जाके क्या हो जाएगा माइनस का, 12 - 12 y आ गया हमारा 0, y आ गया हमारा 0। दूसरा क्वेश्चन, अभी क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, ज्यादा डिफरेंट नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट है, 2 - x = 5। अभी आपने यही क्वेश्चन यहाँ पे 2x - 5 पढ़ा है, अब 2 - x आ गया है, क्या होगा? बहुत आसान है, माइनस का x इधर ही रह जाएगा, 5 - 2 -x = 3। अब यहाँ पे x यहाँ पे आएगा, क्या हो जाएगा x = 3, साइन की इंटरचेंजिंग हो गई। अभी मैंने आपको बताया कुछ बेसिक लेवल, ये बेसिक पार्ट टू आ गया यानी 2l - 5 = 0। भैया बेसिक है? हाँ भाई बेसिक ही तो है, 2l - 5 आके प्लस का हो जाएगा, l आ गया 5/2 यानी 2.5, ठीक है ना। अगला ही क्वेश्चन 2x - 2 = 0, 2x = 2, प्लस का 2x आ गया 2/2 यानी x आ गया हमारा 1, हो गया। बस बेसिक लेवल इतना सही है।
स्टूडेंट्स अभी तक फॉर्मेट वन चल रहा था, अब फॉर्मेट थोड़ा सा हम उठ रहे हैं, धीरे धीरे क्वेश्चन सा उठता जा रहा है। अभी इसमें क्या है, 4x+2 और 2x+4, 4x+2 और 2x+4, अब इसमें दो दो एक्स आ गए, तो एक काम करो ना, x वालों को एक साथ और बाकी वालों को एक साथ, छोटे बच्चों को और बड़े बच्चों को अलग कर दो, x वाले बड़े बच्चे, छोटे वाले बड़े छोटे, ठीक है ना। 4x माइनस का 2x, ये भी प्लस का है, इधर आके माइनस का हो गया, 4 माइनस 2 यानी 2, 4x में से 2x गया, अभी मैंने बताया है आपको, यानी 2x बचेगा, यानी 2/2, कैसे हुआ भैया, 4x+2x होता तो 6x हो जाता, क्यों भैया, x दोनों में कॉमन आ रहा है, दो चीज दोनों मारी हो, यहाँ लिख दो और गिनती नॉर्मल कर दो, 4x-2x हो जाएगा यानी 2x आ जाएगा, नॉर्मल गिनती आपकी चल रही है, यानी 2/2 x आ गया हमारा 1, x आ गया हमारा 1। स्टूडेंट्स अभी मैंने आपको यही तरह का क्वेश्चन बताया था, बट वो इससे थोड़ा सा इजी था, उसमें डायरेक्ट था, इसमें क्या है, क्वेश्चन ब्रेकेबल फॉर्म में है। ब्रेकेबल फॉर्म क्या होता है, अगर आपको 9x दे दिया तो 9x आपको दो भागों में दे दिया, एक 4x कर दिया, एक 5x कर दिया, 4x+5x+2 = ये, ये क्वेश्चन इसी तरह के स्टैंडर्ड में है, आपको दिखा दूं मैं आपको, ये देख लो, 5x+2x पहले तो इसे सॉल्व कर लो, 7x+2 = 9x+2, ठीक है ना। अब क्या करना है, अब आपके पास चॉइस है, आपके पास चॉइस है, क्या चॉइस है, 7x-9x, ठीक है ना, = 2-2, 2-2 तो 0 हो गया, 9-7 कितना होता है, 2, 7 में 7 माइनस तो अपोजिट में जा रहा है, माइनस का 2x, अब x माइनस 2, अब क्या है, माइनस का 2 जब अपॉन में आएगा तो प्लस का हो जाएगा, 2/0, तो x कितना आ जाएगा हमारा 0। 3 को बताने से पहले मैं आपको एक रूल बताना चाहता हूँ, क्या है, एक रूल बताना चाहता हूँ, वो रूल बड़ा ही जबरदस्त है, उस रूल के लिए आप लोग क्रॉसिवर मॉल को, मैं आपको क्रॉसिवर मॉल घुमाऊंगा, क्यों बार पिछले बार सीपी घुमाया था, क्या क्रॉस रिवर मॉल, काटा पीटी आपने करी होगी, यानी क्रॉस रिवर मॉल, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, मैंने 3 डिजिट्स ली, ए बी सी डी, यानी 3 अल्फाबेट ले लिए, अभी ना फॉर्म लिख लू, ए बी सी डी, अब क्या है, ए और डी दोनों बड़े बड़े, दोनों बड़े बड़े भाई हैं, सी और बी ये छोटे छोटे हैं, अब बड़े बड़े किसके साथ खेलेंगे, ए डी के साथ ही खेलेगा और सी बी के साथ ही खेलेगा, अब देखा ये क्रॉस बन गया, यानी ए डी के साथ खेलेगा तो बराबरी होगी और सी बी के साथ खेलेगा तो ये बराबरी हो जाएगी, ठीक है ना, ये हमारा रूल होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का। आइए अब क्वेश्चन करते हैं, मैंने आपको रूल बताया, रूल के बाद आपका पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, आओ इसे देखते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना, यानी ये हमेशा इससे होगा, ये हमेशा इससे होगा, ठीक है ना। पर इससे पहले भी एक चीज आपको और समझनी पड़ेगी, इसकी मल्टीप्लाई मैं 0 से करूंगा, पूरे ब्रैकेट की मल्टीप्लाई 0 से करूंगा, इस पूरे की मल्टीप्लाई में किससे करूंगा, 4x की मल्टीप्लाई में किससे करूंगा, 120 से, किससे करूंगा 120 से। पेपर के अंदर एक दिक्कत आती है भैया, मल्टीप्लाई 12 की मल्टीप्लाई 4 से, 4 2 4 4, यानी 480 x, अब 0 की मल्टीप्लाई मुझे 2 से भी करनी हो, इस 2x से भी करनी, 2x और 2 दोनों से करनी होती है, ऐसा भी होता है, मतलब 0 की मल्टीप्लाई किसी भी करो, पूरा ब्रैकेट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बात तो वही आ गई, x = जरा इस क्वेश्चन को थोड़ा सा पलट देता हूँ, 480 x = 0, x आ गया 0 कौन में, 480, अब दूसरा क्वेश्चन है, भैया आप एक ही क्वेश्चन को बार बार, एक ही फॉर्मेट को बार बार भी बता रहे हो ताकि आपकी रिवीजन हो जाए, ये देखिए 12 = 8x - 5 = भैया आपने ब्रैकेट खोला भाई, पूरे की मल्टीप्लाई करनी है, ब्रैकेट लगाओगे आपके लिए आसानी रहेगी, 10/10 की रूल क्या लगा रहे हैं हम, कौन सा लगा रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मैथड, ठीक है ना, 12 की मल्टीप्लाई 8 पे करूंगा, 8 2 16, 1, 8 96, क्या 96 ठीक है ना, 12 5 सर, ठीक है भैया 12 5 5 10 5 5, अरे पर भैया 1 कैरी तो रह गया, यानी 60 - 60, ये 10 2 20, 96x = 60 प्लस का यानी 80, x आ गया 80 अपॉन में 96, आप काट सकते हैं। ये क्वेश्चन मैंने स्पेशली उन बच्चों के लिए लिया है
जिन बच्चों को दिक्कत होती है एक्स को रखने में, क्वेश्चन को क्वेश्चन के अंदर एक्स की वैल्यू रखने में, एफ एक्स तुम्हें दे दिया एक्स की वैल्यू टू, कैसे दे दिया एक्स की वैल्यू टू, यानी एक्स की जगह आपको टू रखना है, एक्स स्क्वायर, मैंने बताया आपको एक्स की पावर टू यानी दो बार एक्स, ठीक है ना, एक्स की पावर थ्री यानी तीन बार एक्स, एक्स की वैल्यू फोर यानी चार बार एक्स, ठीक है ना। चलो देखते हैं एक्स की वैल्यू टू, एक्स यानी दो बार, मतलब एक्स टू इंटू टू, ऐसे भी कर सकते हैं प्लस एक्स टू इंटू टू प्लस फाइव यानी फोर, टू टू जा फोर, फोर टू जा एट, सिक्स मत लिख देना, प्लस फोर प्लस फाइव आठ चार बारह, बारह पांच सत्रह, ठीक है ना, बस इतना सही है। थोड़ा सा एक और, एफ एक्स आपको दे दिया वन, वो एफ एक्स नहीं एफ एम की वैल्यू दे दिया आपको, एम की वैल्यू दे दिया वन, टू एम प्लस वन की वैल्यू निकालो, ठीक है, एम की जगह वन प्लस वन, टू वन जै टू ब्रैकेट है तो मतलब मल्टीप्लाई टू वन जै टू प्लस वन, इतना आ जाएगा थ्री, ये क्वेश्चन मैंने आपके सामने दिया है, दो सेकंड आपके पास है, इस क्वेश्चन का आंसर सोच लीजिए, एक दो हो गया, एक्स की पावर टू और एक्स की पावर वन, जिसके साथ कोई नहीं होता उसकी पावर वन होती है, एक्स की पावर टू और एक्स की पावर वन कितना हो जाएगा, एक्स की पावर थ्री, टू और टू कितना हो जाएगा फोर, अब आपको आज की वीडियो का सरप्राइज, जो सरप्राइज है वो आपको मिलने वाला है, स्टेटमेंट तो क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज के अंदर 2.6 के अंदर, 8 क्लास के अंदर भी है, 7th में भी है, 6th में भी है, हर क्लास के अंदर है। भैया हमारे को तो सिंपलीफाइड इक्वेशन है भाई, उसी को लीनियर इक्वेशन कहते हैं, भैया हमारे में तो अलजेब्रा है उसी को ही ये कहते हैं। द एज ऑफ हरी एंड हैरी आर इन द रेशियो 5:7, 4 इयर्स फ्रॉम द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 3:4, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ देयर, तो आइए अब स्टार्ट करते हैं इसका। एक मैं तरीका आपको बता रहा हूं, 5:7, 5:7 रेशियो को हम अपॉन में भी लिखते हैं, यानी 5:7, साथ में 4 इयर्स 5x, दोनों का x मान लिया हमने रेशियो को, प्लस 4 प्लस 4, ठीक है ना, साथ में कितनी एजेस का निकालना है, फाइंड करना है 3:4, याद करो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बताया था, उसके बाद याद करो 5x प्लस 4 इक्वल्स टू 3, 7x प्लस 4 5, 20x प्लस 16 इक्वल्स टू 7, 3 21x प्लस 12, 21x minus 20x equals to 16 minus 12, कितना आ जाएगा 16 में से 2 गया 6 में 4 x आंसर। ये आसान तरीका है, पेपर के अंदर ना कभी स्टेटमेंट का क्वेश्चन छोड़ के आओगे, अगर ये कर लिया तो 4 में से 4 नंबर आपके पक्के, चाहे किसी भी स्कूल के हो।